और इस ऑनलाइन क्लास में हम पावर बीआई के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, और पावर बीआई में हम डैक्स फंक्शन कर रहे हैं, और डैक्स फंक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर्मूले की। तो ये हमारा फॉर्मूले का लास्ट कैटेगरी है, उसके बाद हम फिर रिपोर्ट पे वापस आएंगे, रिपोर्ट को समझेंगे, उसके बाद फिर हम यूज करेंगे डैक्स फंक्शंस, जो कि यूज टेबल में नहीं, इसमें मेजर्स में यूज की जाती है। तो हम मॉडलिंग पे आते हैं, न्यू टेबल लेते हैं, न्यू कॉलम हमने लिया। अब यहाँ पे हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन। सबसे पहला, इसमें बहुत सारे फंक्शन है, एक फॉर्मूला है आपका कंटेन का, लेकिन कंटेन का टेबल जो है जस्ट बी लुकअप की तरह वर्क करता है, बट ये दो टेबल में काम करता है सर, समझे? हाँ भी, कंटेन है, रिटर्न द ट्रू इफ यू एग्जिस्ट लोएस्ट एंड वन ऑफ रो ऑल कॉलम हैव द स्पेसिफिक वैल्यू। इसमें आपको देना होता है टेबल कि कौन सा टेबल है, हमने यहाँ पे मान लीजिए डेटा टेबल दे दिया। फिर आपको यहाँ देना होता है कॉलम नेम, तो कॉलम नेम में मान लीजिए हम यहाँ पे दे देते नेम का कॉलम, और उसके बाद इसकी वैल्यू हम क्या होना चाहिए था, हमें दे देते हैं पूजा। इसमें और भी दे सकते हैं वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री, और भी बहुत सारे वैल्यू इसमें हम दे सकते हैं। तो ये बता, इसमें हालांकि ये यूज होता है बिटवीन टू टेबल्स, समझे? बिटवीन टू टेबल्स, अगर दो टेबल है, एक काम करता हूं मैं दूसरा टेबल को भी दूसरे टेबल पे लगा के बताता हूं, मैं एक और टेबल यहां से ऐड करता हूं डेटा में जाके। मैं यहां पे एक और टेबल पे जाता हूं, कनेक्ट एक्सेल फाइलिंग, डेटा तो लिया ही मैं, काम करता हूं एक मिनट, मैं गेट डेटा और डेटा ले लेता हूं, सबसे अच्छा। आपने देखा मैच की तरह काम करता है, समझे? नहीं तो मेरे पास दो टेबल हो गया, ठीक है, दोनों का नाम मान लीजिए डेटा ही है, ये डेटा टू है, एक डेटा है। तो इस फंक्शन को यहां चेंज करते हैं, इसमें हम डेटा टू लेते हैं, डेटा टू में हमने कॉलम कौन सा लिया, डेटा टू का नंबर हमने दे देते हैं नेम, नेम है हमारे पे नेम लिया, कॉल्स एक्सलेंट फेयर गुड लो नेगेटिव पुअर पॉजिटिव प्रोडक्ट रीजन सेल्स रेट सेल्स सेल्स आवर टीम टीम मेंबर। ओके, इसका डेटा अलग है सर, इसका डेटा अलग है, एक बार डेटा देख लेता हूँ। हाँ, इसमें नेम नहीं है, डी प्रोडक्ट है इसमें। चलिए एक काम करता हूँ, ये हम यहाँ जो है नंबर लेते हैं, हमारा एक्सलेंट का नंबर लेते हैं, मैच नंबर टू नंबर मैच करते हैं, मुझे लग रहा है सेम डेटा है इसलिए। हम लास्ट में आते
डेटा टू, कॉलम में मैंने लिख दिया एक्सलेंट, और कौन सी वैल्यू मैच करनी है, तो मान लीजिए मुझे मैच करनी है क्वांटिटी 9, क्वांटिटी कर देता हूँ 9 छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे एंटर करते हैं तो फॉल्स आ गया। जो यहाँ पे जो मैच नहीं हो रहा, जो मैच हुआ जिसे जिससे ए मैच हो गया है क्वांटिटी, यहाँ पे 30 मैच हुआ तो ट्रू आ गया, यहाँ भी ट्रू है, ये मैच नहीं है तो ये फॉल्स है आपका, हाँ ट्रू एंड फॉल्स में है। फिर आप इफ लगा के इसके ऊपर कोई ऐसी चीज दे सकते हो कंडीशन, जैसे मैंने यहाँ पे इफ लगा दिया कि इफ अगर लॉजिकल ए ट्रू है तो यहाँ पे मैच, अदरवाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं अनमैच, ठीक है। तो इस फॉर्मूला लगा के आगे इसके ऊपर जैसे आप मैच के साथ करते हैं ना उस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स देता है, ठीक है। तो कंटेंट समझ में आ गया, डाउट तो नहीं इसमें, एक फॉर्मूला होता है कस्टम डेटा, कस्टम डेटा, ये कस्टम डेटा यूज क्या करते है? क्या शो करता है एक बार, ये भी ट्रू एंड फॉल्स शो करता है, पर इसका यूज मैं समझ नहीं पाया कि आखिर होता क्या है, मैं एक बार बताता हूं आपको। जैसे कि यहाँ पे सी एस टी करके मैं वहां पे करता हूँ, यहाँ पे कस्टम कस्टम डेटा राइट, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं दिया नहीं जाता है इसके अंदर, लेकिन रिटर्न द वैल्यू इज कस्टम डेटा कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी इफ डिफाइंड अदरवाइज ब्लैंक, ऐसा है, छोड़िए इसको, मैं इसको एक बार देख बता दूंगा, हालांकि इसका यूज भी नहीं पता चल रहा है। अब इसमें एक फॉर्मूला है इज ब्लैंक, मतलब कि अगर आप की ये देखना चाहते हैं कि कोई सेल ब्लैंक तो नहीं, तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लगाएंगे इज ब्लैंक का, इज ब्लैंक, और इसमें आप देंगे जो वैल्यू आप देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया मान लीजिए नेम दे दिया राइट, अगर यहाँ पे रिजल्ट अगर नेम ब्लैंक है तो ब्लैंक आएगा, ऐसे इसी के इसी तरह से और भी बहुत से ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्मूले जो कि एक्सेल में भी आपने सीखा था, वो है इज ब्लैंक, इज एरर, यहाँ पे इज के फॉर्मूले हैं, इज ब्लैंक, इज एरर, इज इम्पेरिटी, इज लॉजिकल, इज नॉन टेक्स्ट, इज नंबर, इज नॉन राफ्टर, मतलब कि अगर बुलियन नंबर ट्रू एंड फॉल्स है तो इज नॉन राफ्टर चलता है, इज टेक्स्ट, और एक आपका लुकअप वैल्यू, एक आपका लुकअप वैल्यू भी आता है, ठीक है सर, लुकअप वैल्यू, जैसे कि एक आपका इसमें एक लुकअप नेम है तो सेम इसका इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम ट्रू फॉल्स आपने किया था ना, तो लुकअप यहाँ पे हमारा आता है लुकअप वैल्यू, तो किसमें वैल्यू करना है, तो हमने बोला इसको रिजल्ट कॉलम नेम की, कॉलम नेम में रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो डेटा टू का हम एक्सीलेंट ले लेते हैं, के बाद ये पूछता है आपका सर्च कॉलम नेम कि सर्च किस में करना है, तो सर्च हमारा क्वांटिटी में करना है, इस रिटर्न मान लीजिए मुझे एमआरपी करना है, और क्या था सर्च कि क्या सर्च क्या करना है, तो हमने यहां पे क्वांटिटी 9 को दिया सर्च करने के लिए।
बैंक आया। एक यह आता है कि आपको किस में मैच करना है, किस कॉलम में सर्च करना है। लुकअप वैल्यू क्या करता है आपको सबसे पहले जानिए, लुकअप वैल्यू करता है क्या है। ये आपका लुकअप वैल्यू करता है कि रिट्रीव द वैल्यू फ्रॉम द टेबल, किसी टेबल से कोई वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप मान लीजिए मुझे अमाउंट को रिट्रीव करना है डेटा टेबल से, और सर्च किस में करना है, मतलब कि सम इफ की तरह होता है, सर्च किसी और कॉलम में भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए सर्च मुझे नेम में करना है, और उसके बाद पूछते हैं यहाँ पे देखता है कि भाई ठीक है नेम में कौन सी वैल्यू सर्च करनी। तो मान लीजिए मुझे पूजा को सर्च करना है, ये एरर दे रहा है। मल्टीपल वैल्यूज, ओके ओके, ये फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होता है, माफ कीजिएगा। ये फॉर्मूला फिल्टर फॉर्मूले के जैसा है, जब कोई फॉर्मूला फिल्टर होता है ना, वो एक नया टेबल में ऐड होता है सर। यहाँ पे आप एक यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दे दिया ऐसा फॉर्मूला लुकअप, नहीं ले रहा है। इसको ये आपका लुकअप, यहाँ पे लुकअप फॉर्मूला लगाने तो सही लगा रहा हूँ, लुकअप वैल्यू, पर लुकअप वैल्यू उसमें यूज नहीं हो रहा है। लुकअप वैल्यू को भी देखना है मुझे, एक आपका फॉर्मूला होता है यूजर नेम, यूजर नेम आप बताता है कि यूजर क्या है। और यूजर नेम का फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज नहीं होता है, वो यूज होता है आपके इसमें मेजर्स में, जब आप ऊपर मान लीजिए आपको यूजर नेम दिखाना है, वहां पे डेटा भी यूज नहीं होता यूजर नेम। तो ये जो फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ क्या क्या फॉर्मूला है, आपको कंटेन बता दिया, कस्टम डेटा जो भी फॉर्मूला आपका यूज होता है मेजर्स में, इज ब्लैंक है, इज एरर है, इज एबन है, इज लॉजिकल है, इज नॉन टेक्स्ट है, इज नंबर है, इज नॉन रेफर है, इज टेक्स्ट है, और आपका लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू भी आपका सही से परफॉर्म नहीं किया, इसके रिलेटेड लग रहा है मुझे डेटा यहाँ पर नहीं है, एक बार इससे रिलेटेड मैं डेटा में निकाल लेता हूँ, फिर इसमें बात करेंगे, ठीक है। और कल की क्लास में हम बात करेंगे फिल्टर फंक्शन की। फिल्टर फंक्शन मतलब कि टेबल के ऊपर हम डेटा यूज के बताएंगे कि टेबल में हम डेटा कैसे यूज करेंगे। न्यू टेबल जैसे क्लिक, तो मान लीजिए मुझे इसमें से कुछ पर्टिकुलर डेटा को अलग टेबल में रखना है, फिल्टर करके कंडीशन लगा के, मतलब कि हम रिपोर्ट में कंडीशन नहीं लगाना चाहते हैं, हम कंडीशन लगाना चाहते हैं इसमें, तो हम यूज करते हैं फिल्टर फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका फिल्टर, यहाँ पे डीटी हमने कर दिया पर फिल्टर है ना सर, इसमें कौन से डेटा से आपका डेटा आएगा, और फिर इसमें आपको रहता है फिल्टर एक्सप्रेशन। तो जैसे हमने यहां पे दे दिया यहां पे कि नेम इज इक्वल टू पूजा, आ गया।
हाँ पूरा टेबल आ गया। अब इस टेबल पे हम अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। अब रिपोर्ट सिर्फ पूजा की बन के आएगी, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है सर। टेबल के लिए तो ये हम आपको कल बताएंगे। ये फॉर्मूला आपका पूरा इसका पावर बीआई का है, तो इसमें आपको हर एक चीज नई चीज रहेगी आपके।